साइकोलॉजी और पैडागोजी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें भी हम कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज की इंटरेस्टिंग क्लास बनाने की सोची मैंने सोचा कि तीन ऐसे टॉपिक डिस्कस करता हूं जो ट्रेडिशनल पढ़ने के अलावा आपको अगर नहीं पता है तो हर एग्जाम में, चाहे DTS भी हो, चाहे CTET हो, चाहे रीट हो, चाहे UPTET हो, आप नंबर लूज करेंगे। और ये तीन टॉपिक हैं कि SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है, ये SR थ्योरी है क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इसके अंदर S क्या है, R क्या है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फाउंडर कौन हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं और क्यों हैं। और तीसरा है, क्या बिना स्काफोल्डिंग ZPD हो सकता है। अब देखिए, समझाया जाता है स्काफोल्डिंग और ZPD है क्या, वो तो आपको पता होना ही चाहिए, तभी तो आप ये जज कर पाओगे कि क्या बिना स्काफोल्डिंग ZPD हो पाएगा। तो इन तीन चीजों के ऊपर रहेगी हमारी पूरी की पूरी वीडियो कि SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है, SR थ्योरी है क्यों, ये नाम क्यों पड़ा, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक कौन है और क्यों है, और स्काफोल्डिंग और ZPD के बीच रिलेशन क्या है, और क्या बिना स्काफोल्डिंग के ZPD हो सकती या नहीं हो सकती। अब आप अगर साइकोलॉजी और पैडागोजी पढ़ते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो बैक टू स्कूल ये वाला चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और लाइक का बटन दबा दो। चलिए शुरू करते हैं। SR थ्योरी के जन्मदाता कौन है, सबसे पहले यहां पर देखो थ्योरी का नाम क्या है, SR। S से बना स्टिमुलस, R से बना रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक, रेस्पॉन्स का मतलब होता है क्रिया, जिसको अनुक्रिया बोल दिया जाता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। अब देखो, उद्दीपक यानी कि मछली को देखकर बिल्ली ने पिंजरे से बाहर आने की कोशिश, बाहर आने की कोशिश की। बिल्ली ने अपने पिंजरे से बाहर आने की कोशिश क्यों की थी, क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसे मछली दिख रही थी, जो कि एक स्टिमुलस था। SR थ्योरी ये कहती है कि किसी भी उद्दीपक को देखकर अगर कोई रिस्पॉन्स किया जाता है तो वो SR थ्योरी के अंदर आएगा, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना। जैसे कि आपके पापा डंडा लेकर आए, आप गुस्सा थे, डंडे को देखकर ही आप भाग गए, तो ये क्या किया आपने, स्टिमुलस रिस्पॉन्स किया, स्टिमुलस को देखा और फिर आप भाग खड़े हुए। इसीलिए ये SR थ्योरी के जन्मदाता कौन हो जाएंगे बताओ, SR थ्योरी के जन्मदाता हो जाएंगे थोरनडाइक, जिसे ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहा जाता है, प्रयास और भूल का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसी के अंदर इसका दूसरा नाम SR थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इसकी उल्टी जो RS थ्योरी है वो किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके स्किनर की, लेकिन वो भी थोरनडाइक के एक सीखने के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। लेकिन बस इतना याद रखो कि ये SR थ्योरी, S से स्टिमुलस, R से रिस्पॉन्स, उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना, ये थोरनडाइक ने दी थी। थोरनडाइक ने सीखने के तीन सिद्धांत, तीन मेन नियम दिए थे और पांच सेकेंडरी नियम दिए थे। तो इसके जन्मदाता कौन हो गए, थोरनडाइक। दूसरा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब देखिए, साइकोलॉजी में एक ईयर था इंपॉर्टेंट, 1879 में एक लैब खोल दी गई, 1879 में एक लैब खोली थी। लैब कहां खोली थी, लिपजिंग यूनिवर्सिटी में। लैब का मतलब है कि सारे मनोवैज्ञानिक वहां पर जाते हैं और मनोविज्ञान के बारे में एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे साइंटिस्ट करते हैं। तो 1879 में फर्स्ट लैब खोली थी विलियम वुंट ने, विलहेम वुंट ने।
तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर विलियम वुंट कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया साइकोलॉजी में, और कहां पर करना शुरू किया, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में 1879 में। और यहां पर विलियम वुंट एक विधि यूज करते थे, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन, खुद के अंदर जाकर हर एक चीज का पता लगाना। जैसे मैं विलियम वुंट होता, आप मुझसे पूछते गुस्सा क्यों आता है आदमी को, तो मैं बैठता खुद के बारे में सोचता कि मुझे क्यों गुस्सा आता है, फिर मैं वही आपको बताता। तो ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम वुंट। इन दोनों के नाम लिख देता हूं मैं यहां पर, ताकि आपको याद रहे, थॉर्नडाइक और वुंट। आगे, क्या बिना स्काफोल्डिंग के जेडपीडी हो सकता है? अब देखो जेडपीडी होता क्या है और उसके अंदर स्काफोल्डिंग का मतलब कि रोल क्या होता है। मान लो एक बच्चा है राम, उसे गिनती आती है 1 से 100 तक, ठीक है। एक लड़का है राम, उसको 1 से 100 तक गिनती आती है। उसके साइड में हैं उसके, यहां पर हैं उसके पापा और ये हैं राम। अपने पापा की मदद से उसने 101 से 200 तक की गिनती भी याद कर ली और सुना ली। जब वो अकेला रहता है तो सिर्फ 1 से 100 तक की गिनती ही याद करके सुना सकता है, लेकिन उसके पापा ने उसकी मदद की तो 101 से 200 तक भी याद उसने कर लिया। तो राम से उसके पापा ने कहा कि गिनती सुना बेटा, तो उसने सुनाई 1 से लेकर यहां तक 200 तक। लेकिन आपको ये पता है कि ये जो बीच में 100 है, यहां तक तो उसकी जो क्षमता है, याद रखो ये 1 से लेकर 100 तक जो उसकी क्षमता है वो है अपनी, लेकिन 100 से 200 तक उसने कैसे सुनाई, दूसरों की मदद यानी कि अपने पापा की मदद से। तो याद रखना कि ये जो दूसरों की मदद है सीखने के अंदर, जो दूसरों की जो मदद होती है, ये कहलाती है स्काफोल्डिंग। मान लो कल उसकी मैडम हो यहां पर बच्चे की, और वो बोले कि राम गिनती सुना, तो वो 100 तक ही सुना पाएगा, वो 200 तक नहीं सुना पाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरों की मदद है, ये किसने की थी मदद, उसके पापा ने, राम के पापा ने, तो उसके पापा वहां पर होंगे नहीं। तो याद रखना जेड पी डी का मतलब होता है ये पूरा एरिया, अपने दम से और दूसरों की मदद से दोनों को मिलाकर आप जितना काम कर पाए हो, जितना परफॉर्म कर पाए हो, वो जेड पी डी कहलाएगा, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन यानी कि ऐसा एरिया, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी किसी और की मदद से जहां पर आप पहुंचे हो, जो आपने गेन किया है। तो मैडम ने कल उससे सुना तो वो 100 तक ही सुना पाएगा, 200 तक नहीं सुना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पापा वहां पर नहीं होंगे। ये जो स्काफ होल्डिंग होती है दोस्तों, याद रखना ये होती है टेम्पोरेरी, यानी कि जब स्काफ होल्डिंग होगी तभी जेडपीडी होगा, बिना स्काफ होल्डिंग के जेडपीडी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? तो चलो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और देता हूं इसमें, स्काफ होल्डिंग और जेडपीडी को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। मान लो एक बैट्समैन है, ठीक है। नहीं, मान लो आप शाम को खाना खाने गए, आप हमेशा खाते हो 4 रोटी, ठीक है, हमेशा क्या खाते हो, 4 रोटी। तो आपका जो निपटाने का आदम है वो इतना है, 4 रोटियों वाला। लेकिन क्या हो गया, आपका फ्रेंड आपके साथ रहने लग गया 2-3 दिन, वो आपके साथ मिलकर 3 रोटी और खाता है। अकेले आप 7 रोटी नहीं खा पाते हो, आप अकेले खाते हो तो 4 रोटी खाते हो, यहां पर है आप प्लस आपका दोस्त, तो आप और आपके दोस्त को मिलाकर ये होगा जेडपीडी, और आपके दोस्त ने जो आपकी मदद की 3 रोटी फिनिश करने में,
वो होगी उसकी स्काफोल्डिंग। याद रखना, बिना स्काफोल्डिंग के ZPD नहीं हो सकता। और ये जो स्काफोल्डिंग भी होती है वो क्या होती है, टेम्पोरेरी होती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा था क्या बिना स्काफोल्डिंग के ZPD हो सकता है, तो आप आंसर लिखेंगे नो, नहीं हो सकता। तो दोस्त ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी। पेडागोजी के 22 चैप्टर कर चुके हैं, तो आपने पेडागोजी, पहले तो बात आपको YouTube पर कहीं मिलेगी नहीं पेडागोजी की सीरीज जिसमें 22-24 चैप्टर हो और जो फ्री में हो आपके लिए, तो देख लेना जिसको देखनी हो, जिसको कटना है जाकर कटो, लेकिन जिसको अच्छे से पढ़ना है चीज़ें देखो आप। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर करें। बाकी दोस्त नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, चलिए मिलता हूँ आप लोगों से, ठीक है, टेक केयर।